राम राम। कविता आंगन से मैं हूँ कविता, और आज की जो वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरी और अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ ना हो। हुआ ये कि 3 4 दिन पहले की बात है, मेरी शॉप पे 3 4 लेडीजे आई हैं, और 3 थी वो, और देखने में अच्छी खासी लग रही थी। वो आके मेरे को बोली कि भाई हमें सूट दिखा दो। तो 3 लेडीजें थी, उनमें से एक लेडीज बैठ गई नीचे मेरे पास, बोली कि सूट दिखा दो, किसी दुल्हन वगैरह के लिए हमें लेने हैं। और 2 लेडीजें थी वो सीधी ऊपर चली गई कि हमें जूती लेनी है। तो मैंने, जो मेरे पास लड़की है, उसको बोला जा बेटा इनको जाके ऊपर जूती दिखा दे। तो लड़की चली गई ऊपर उनको जूती दिखाने के लिए, लेकिन वो लड़की जैसे ही उनके पास गई तो उन्होंने जाके, और उसके जाते ही 2 जोड़ी जूती उठाई और उनके हाथ में दे दी। वो जो जूती उन्होंने अच्छे तरीके से देखी भी नहीं थी, और पहले ही उसके हाथ में दे दी कि जा ये नीचे दिखाया और उससे पूछ जो उनके साथ में आई हुई है कि ये ले ले। तो वो लड़की उनसे पूछ के गने के लिए नीचे आ गई, और इतनी देर में ही उन्होंने सूट उठाए ऊपर से और अपनी पैंट के अंदर डाल लिए। उन्होंने ऊपर से फ्रॉक पहन रखे थे और नीचे पैंट वगैरह जो पहन रही थी उसके अंदर उन्होंने डाल लिए। लड़की फिर ऊपर गई, ऊपर जाते ही 2 मिनट के अंदर उन्होंने फिर बोला, कोई एक सूट उठा लिया और बोली जा ये नीचे दिखा क्या। और हम उसको और मुझे कोई ऐसा था ही नहीं, उनको देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये चोर है, कि भी इस इरादे से आई है। वो अच्छे तरीके से देख रही थी सूट, और भाई ऊपर भी जूती वगैरह देख रही थी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, भी देख रही है लड़की, दिखा रही है ऊपर। ये देखो जो लड़की मेरे पास काम कर रही है मैंने उसको ऊपर भेज दिया है। जा बेटा एक बार जा दिखा के आ। उनको ऊपर जाते उन्होंने वापस नीचे भेज दिया, जा नीचे जो है उसको जूती दिखा के आ, और वहाँ से एक सूट उतारा है और उसको आगे लगा के देखो कैसे डालने लग रही है। अब ये ऊपर आ गई तो रुक गई, अब पहले ही आके सूट दूसरा लगा के हैंगर से उतारा और लगा के खड़ी हो गई कि इसको दिखाई ना दे, और ऊपर आते ही दोबारा फिर इन्होंने कोशिश करी कि इसको नीचे भेज दे, दोबारा फिर नीचे भेज दिया इसको, और अब इसने ब्लू सूट वाली ने डाल लिया है, वो आगे खड़ी हो गई है कैमरे के, और जो ब्लैक सूट वाली थी वो डालने लग गई। हमारे ओपनिंग के जो डेकोरेशन हुई थी उसके बलून लगे हुए थे, और जो कैमरे के आगे थे हमने इस चीज़ का ध्यान भी नहीं दिया कि कैमरे के आगे बलून लगे हुए हैं, और शायद अभी ना भी देते, हमने सोचा था कि न्यू ईयर तक लगे रहेंगे, न्यू ईयर के बाद हटाएंगे। अब ये देखो ब्लैक वाली डाल रही है जिसने ब्लैक सूट डाल रखा है, और ये आगे खड़ी हो गई आगे कि भाई नीचे से दिखाई ना दे। अब वो लड़की आई है, इतने इसने डाल लिए हैं और ये आगे खड़ी है, उस लड़की को भी देख रही है। अब देखो ऊपर आते इसने दोबारा फिर उस सेट की पैंट उतारी है और इसको दे दी है कि भाई जा तू एक बार जाके ये भी दिखा के आ उसको। लेकिन मैंने लड़की को बोला था कि तू ऊपर ही रह, बाद में रेट पूछ लेंगे नीचे आके। मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि भी ये ऐसा कुछ कर देंगी, लेकिन फिर भी मैंने बोला था कि तू ऊपर रह, जा ऊपर जाके दिखा दे उनको अच्छे से। ये बार बार उसको बोल रही थी किसी ने कोई ना कोई चीज़ उठा के, जा ये पूछ क्या वो पूछ क्या, लेकिन ये नीचे नहीं आई। अभी ब्लू सूट वाले ने तो अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन ये जो ब्लैक सूट डाल रखा है इसने नहीं लिया। अभी ये इधर आएगी, येलो सूट में से पैंट निकालेगी, ये देखो कितनी सफाई से पैंट निकाल के ले गई जल्दी से, और वहां जाके पैंट के अंदर सूट डाल लिए उसने, और ये आगे खड़ी हो गई है और डाले। और अपने के बाद 2 3 लेडीज फिर आई, वो बोली कि बेस कलर के सूट चाहिए। वो लेने के लिए आई थी, उनको न्यू ईयर पार्टी के लिए मतलब येलो और पिंक कलर के कुछ कंट्रास्ट में सूट चाहिए थे जो कि हमारे पास रेडीमेड में थे। उन्होंने पूछा कि भाई हमें पिंक कलर का सूट चाहिए, क्या आपके पास है। तो फिर मैंने बोला हाँ जी क्यों नहीं, आप बैठो हम दिखाते हैं आपको। तो हमने फिर ऊपर जाके देखा तो हमारे येलो और पिंक कलर के जो भी सूट थे वो हमें मिले नहीं। तो एकदम से हमने सोचा कि भैया अभी तो कुछ देर पहले कोई और भी आया था, उन्होंने भी देखे थे कि अभी तो यहाँ रखे थे और अभी इतनी जल्दी कहाँ चले गए। फिर हमने अपने हमारे यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, फिर हमने कैमरे के अंदर देखा तो जो 3 लेडीजें आई थी उनमें से ही 2 लेडीज जो ऊपर गई हुई थी उन्होंने वे सूट अपनी पैंट के मतलब 3 3 4 4 सूट एक लेडीज ने और जूती एक लेडीज ने डाल ली। और हमें पता, बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि भाई जो मेरे साथ हुआ आप लोगों के साथ ना हो, क्योंकि भाई आखिरकार जब भी हम नया नया बुटीक स्टार्ट करते हैं तो अच्छे से हम
शॉप, कोई भी शॉप या कुछ भी काम है, भाई जरूरी नहीं है बुटीक पे आई है सूट चुरा के लेके गई है, ये हर जगह जाती है कहीं ना कहीं, चाहे आपकी किसी भी चीज की शॉप है, कॉस्मेटिक की है, कुछ भी है, हर जगह से कुछ ना कुछ चुरा के लेके जाती है। इसलिए ये इनकी मेरे पास वीडियो है जो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और अगर आपको कहीं भी ये दिखती है तो अच्छे से ध्यान रखना या पुलिस में कंप्लेंट करना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि ये कहीं और ये काम करते हुए कहीं ना कहीं तो पकड़ी जाएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं पकड़ी जाएंगी। तो भाई जो मेरे साथ हुआ आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो, वीडियो लाइक करो ना करो, लेकिन इस वीडियो को जितना भी ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करो।